हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आकाश। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, क्या हाल है भाई? सब ठीक है ना? घर पर सब ठीक? अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो। आपने टाइटल देखा, झक मार के वीडियो चालू करने से पहले पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, आप लोगों ने कुछ मिस किया, क्योंकि पिछले वीडियो में गिव अवे था। वो गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं वीडियो चालू होने से पहले। देयर इट इज़। अरे घर पे। अच्छा, ये बताओ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था? लास्ट वीडियो उसमें कौन मैंने सा? बोला था कि जो जिसका जैकपॉट टाइप में नाम आएगा उसको मैं कुछ दूंगा ऐसे करके। तो ठीक है, उसका मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। ये बताओ, 1 से 20 के बीच में कोई भी नंबर चुनो, 1 से 20 के बीच में कोई भी नंबर रैंडम। 8 चलो ठीक है, चलो क्या एट। हुआ? अच्छा जिसका 8 सीरियल नंबर, मैं सबको सीरियल नंबर्स दिए हैं, जिसका 8 सीरियल नंबर होगा उसको मैं प्राइस भेज दूंगा। अच्छा चलो आप लोग खाओ, फिर मैं रिकॉर्ड करके फ़ोन करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू द विनर नंबर 8। सो नंबर 8 एक बार देख लिया जाए, है भी कौन। हेयर वी गो। सो जितने कमेंट्स आए थे, मैंने सबको एक एक सीरियल नंबर दे दिया था। मॉम ने नंबर 8 को चुना है। लेट्स सी हु दैट इज़। मिस्टर DKS, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फ्रेट रैप जीता है एंड मेरा एक मर्चेंडाइज, जो कि मैं दोनों चीज़ें आपको भेजने वाला हूँ। हेयर इज़ द फ्रेट रैप। आपको कौन सा कलर भेजूँ? 1, 2, 3। आपको मैं 1 भेजता हूँ, नहीं 2 भेजता हूँ, नहीं 3 भेजता हूँ। 2 2 अच्छा लग रहा है। मैं आपको नंबर 2 फ्रेट रैप भेजूँगा और मैं आपको अपना एक मर्चेंडाइज भेजने वाला हूँ। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे मैनेजर से आप कांटेक्ट में आके अपना एड्रेस एंड सब कुछ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको आपका प्राइज़ भेज सकें। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल झक मार के। अब जब मैंने इस सॉन्ग को सुना, एक्चुअली एक क्लास चल रही थी, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि क्या हम ये सॉन्ग आज कर सकते हैं। तो मैंने जब ये सॉन्ग को सुना, तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि इसमें जो एक लोअर ई स्ट्रिंग जो शुरुआत में बजती है, वो एक्चुअली ई नहीं है, वो ई फ्लैट है। सो आपको अपना गिटार ई फ्लैट पे ट्यून करना होगा, विच इज़ आधा आधा नोट हर स्ट्रिंग को नीचे उतार दो। मेरे साथ ट्यून करना चाहो तो कर लो। हियर इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसके नोट्स क्या होंगे? ई फ्लैट, बी फ्लैट, जी फ्लैट, डी फ्लैट, ए फ्लैट, ई फ्लैट। अगर आपने ट्यून कर लिया है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब आपको अपना केपो लेना है और इसको ऐसे लगाने की जगह इन्वर्ट करके लगाना है, और नीचे की 5 स्ट्रिंग्स को ही कवर करना है। नीचे की 5 स्ट्रिंग्स, ऊपर की 6 स्ट्रिंग को ओपन रहने दो। मेरे साथ चलते रहो, कीप फॉलोइंग। ठीक है, अब प्ले करके देखो। अब ये छू रही है, ठीक है। अब अपने गिटार को फिर से एक ट्यूनर से ट्यून कर लो, ठीक है, सो दैट ये आपका एफ होना चाहिए और सारी स्ट्रिंग्स सो ऑन। नाउ दैट आर गिटार्स आर ट्यून्ड, अब देखते हैं कि इसमें इसको बजाना कैसे है, ठीक है। सो देखो, हेयर इज द, आपका केपो लगा सेकेंड फ्रेट पे, हेयर इज द 9th फ्रेट। इसमें आपने जैसे ये कॉर्ड होता है ना, ई कॉर्ड, वैसे ही आपने इसका ये बार बनाया एंड देन यू गो। ये जो स्लाइड की आवाज़ आती है ना, हेंस मैंने सोचा कि जब ये रिकॉर्ड हुआ होगा सॉन्ग, तो पक्का यहाँ केपो लग के हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसको 1st फ्रेट पे केपो लगा के बजाते हैं, उसमें वो स्लाइड नहीं आती ये वाली। हेंस मुझे लगता है ये आगे से बजाए। सो 6 5 4 3 2 में हैमर ऑन पुल ऑफ, देन हम इसको स्लाइड करके ए कॉर्ड की तरफ, विच इज एक्चुअली अ बी कॉर्ड क्योंकि केपो यहां पे है ये, ठीक है। सो फिर से, अब यहां पे,
5, 4, 3, 2 फिर से 2 बजेगा और हैमर ऑन और पुल ऑफ 5, 4, 3, 2, 2 अब 2 में यहां पे 4 हैमर ऑन 5 पुल ऑफ 4 सो शुरू से देन जैसे आप बी माइनर कॉर्ड ये पकड़ते हो ना इसको आप बार से पकड़ो और फोर्थ फिंगर को हटा दो तो बन जाता है बी माइनर 7 एंड देन आप बजाओ 5, 5, 4, 3, 2 अब 1 में 2 हैमर ऑन सॉरी गिटार के पर्सपेक्टिव से ज्यादा 4 हैमर ऑन 7 पुल ऑफ 4 फिर सेकेंड स्ट्रिंग सो शुरू से देन आप जैसे जी कॉर्ड पकड़ते हैं वैसे पकड़िए पर जो सेकेंड ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको थर्ड स्ट्रिंग 2 पे आपको तैयार रखना है और यहां से हमें बजाना है सिक्स फोर फिर थर्ड स्ट्रिंग में 2 हैमर 4 2 तो केपो ने पकड़ा हुआ है सो ये 2, 3, 4, 3 पूरा इसी को आप फुल स्पीड पे बजाओगे एंड प्लीज आप ये अकूस्टिक पे भी बजा सकते हो मैंने ऐसी रैंडम इलेक्ट्रिक गिटार उठाया तो मैं इलेक्ट्रिक पे कर रहा हूँ आप अकूस्टिक पे भी सेम चीज बजा सकते हो अब अगेन आप इसको केपो फर्स्ट फ्रेट पे लगा के भी बजा सकते हो बट उसमें वो स्लाइड नहीं आता जो मुझे ओरिजिनल ट्रैक पे सुनाई देता है आप लोग भी ध्यान से जाकर ओरिजिनल ट्रैक सुनना उसमें आपको एक स्लाइड सुनाई देगा वो मुझे नहीं सुनाई दे रहा था इसलिए मैंने ये ट्यूनिंग पे केपो लगा के इसको फिगर आउट किया लेट मी नो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया एक और गिव अवे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंस करूँगा अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो सो आप मुझसे डायरेक्टली भी सीख सकते हैं एक जूम कॉल या फिर स्काइप कॉल पे नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और आप मेरे कुछ ऑलरेडी बनाए हुए कोर्सेज को भी ट्राई आउट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो अकीम सेल स्कूल ऑफ म्यूज़िक या फिर मेरे ऐप पे जा सकते हो अकीम सेल स्कूल ऑफ म्यूज़िक वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा आप ट्राई आउट कर सकते हो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है सो आई थिंक दैट्स इट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम आई होप मज़ा आया हो फिर से मिलते हैं चलो टेक केयर बाय